और मेरे साथ मेरे दो सहयोगी जुड़ चुके हैं ग्राउंड जीरो से, चरण सिंह सहरावत जुड़े हैं, साथ ही अंजलि सिंह जुड़ी हैं। चरण, पहले आपके पास आना चाहूंगा। सबसे पहले मुझे आप ये बताइए कि सीबीआई दफ्तर की लोकेशन पर अगर मैं ध्यान दूं तो वो दिल्ली के उस इलाके में तो नहीं पड़ता जहां पर नजफगढ़ है। फिर इतनी दूर नजफगढ़ थाने क्यों लेकर जाया गया है सभी सांसदों को, सभी दिल्ली सरकार के मंत्रियों को, पंजाब के जितने मंत्री हैं उन्हें, क्या कारण? चरण, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? जी चरण, मेरा सवाल यही है कि जब सीबीआई दफ्तर से डिटेन किया गया तो नजफगढ़ थाने लेकर क्यों जाया गया? ये तो बहुत दूर है, कारण क्या इसका, कोई विशेष कारण? बिल्कुल, हम नजफगढ़ थाने में ही मौजूद है। नजफगढ़ थाने का ही रूम है जहां पर आम आदमी पार्टी के काफी सारे नेता भी है और मंत्री भी है। कुछ नेताओं से बात कर लेते हैं। सर, पंजाब से आप दिल्ली आए थे और दिल्ली में नजफगढ़ थाना बहुत दूर होता है जहां पर आप थे, तो क्या करेंगे? इसलिए आप चरण, कुछ टेक्निकल फॉल्ट की वजह से आपकी आवाज मुझ तक नहीं पहुंच पा रही है, आपसे जुड़ने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। मैं अपनी सहयोगी अंजलि का रुख कर लेता हूं। अंजलि, आप इस वक्त कहां पर हैं? आपके पास इस वक्त की क्या ताजा इन्फॉर्मेशन है, कोई नई अपडेट? जी देखिए, इस समय हम बिल्कुल आम आदमी पार्टी के मुख्यालय में मौजूद हैं और यहाँ पर 5 बजे पार्टी की एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई दिल्ली स्टेट कन्वीनर जो गोपाल राय हैं उनकी ओर से। फिलहाल जो मीटिंग है यहीं अंदर इसी ऑफिस में चल रही है और तमाम जो दिल्ली से जुड़े बड़े पदाधिकारी हैं, इसके साथ पार्टी के जो राष्ट्रीय सचिव हैं पंकज गुप्ता, ये सब इस मीटिंग में मौजूद हैं। दिल्ली की मेयर भी इसी मीटिंग में मौजूद है और कहीं ना कहीं चूंकि आम आदमी पार्टी को ये अंदेशा है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी भी हो सकती है, तो आगे की रणनीति क्या होगी, दिल्ली में किस तरह से विरोध प्रदर्शन जो है वो किए जाएंगे, कल विधानसभा का एक विशेष सत्र भी बुलाया गया है, उसकी तैयारियों को लेकर भी कई सारी ऐसे चर्चाएं हैं जो इस समय करनी है और यही वजह है कि आपातकालीन मीटिंग जो है वो बुलाई गई है। और अब देखना होगा कि कितनी देर तक ये जो पूछताछ है अरविंद केजरीवाल से चलती है, लेकिन इसके बीच में अगर आपने तमाम आम आदमी पार्टी के नेताओं के बयान सुने होंगे और अभी गोपाल राय ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये मेंशन किया कि गिरफ्तारी का जो अंदेशा है वो भी है और इसी को देखते हुए किस तरह से आगे की रणनीति होगी, क्या आम आदमी पार्टी करेगी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल पार्टी के मुख्य चेहरा, पार्टी का सबसे बड़ा नेता, तो उनके साथ किस तरह से एकजुट रहकर एक साथ ये पूरी पार्टी के तमाम जो बड़े नेता हैं वो हर कार्यकर्ता को कैसे जोड़ा जाए, इन तमाम चीजों पर भी चर्चा हो रही है। इसके साथ साथ ये भी देखना होगा कि कल जो विशेष सत्र बुलाया गया है विधानसभा का उस पर आगे क्या रुख रहता है, क्योंकि लेकिन अंजलि अगर देखा जाए तो आम आदमी पार्टी के छोटे से छोटे और बड़े से बड़े फैसले लेने के लिए जिस कमिटी की से चर्चा होती है, जिन लोगों से चर्चा होती है, जिन नेतृत्वकर्ताओं के साथ चर्चा होती है, वो सब के सब इस वक्त नजफगढ़ थाने में है। तो फिर आम आदमी पार्टी के दफ्तर में है कौन? केवल गोपाल राय और कुछ लोग, ज्यादातर लोग, मतलब कायदे से तो फिर ये मीटिंग जो है यहाँ की बजाय नजफगढ़ थाने में होनी चाहिए, क्योंकि जितना कह सकते हैं आम आदमी पार्टी के जितने बड़े चेहरे हैं जो हम अक्सर मीडिया में देखते हैं, जिनकी अक्सर हम बाइट लेते हैं, वो सब इस वक्त पुलिस की हिरासत में। बिल्कुल, आपने सही कहा कि ये तमाम जो बड़े चेहरे हैं जो अक्सर हमको कैमरों पर दिखाई देते हैं, जो पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो पार्टी के स्पोक्स पर्सन हैं, वो सबको ही नजफगढ़ थाने ले जाया गया। और थोड़ी देर पहले आपने सवाल भी पूछा था कि क्या वजह हो सकती है कि इतनी दूर लेकर गए, जबकि लोधी रोड के पास ये प्रोटेस्ट चल रहा था, तो एक वजह बिल्कुल यही हो सकती है क्योंकि अभी भी पूछताछ जारी है, ये पूछताछ कब तक चलेगी कोई पता नहीं है, लंबी भी चल सकती है, अमूमन जो जाँच एजेंसियाँ हैं उनकी पूछताछ ऐसे ही लंबी कई घंटों तक चलती है, ऐसे में वहां पर फिर से विरोध प्रदर्शन ना हो, ये तमाम नेता वहां पर ना पहुंचे, एक वजह ये हो सकती है कि इतनी दूर वहां पर ले जाया गया है ताकि जब तक उनको छोड़ा भी जाए हिरासत से तब तक वो यहां पर ना पहुंचे, इस तरह का प्रबंध किया जा सके, एक वजह ये जरूर हो सकती है। लेकिन इसके साथ ही यहां पर आप बात करें जो आम आदमी पार्टी मुख्यालय में इस समय मीटिंग चल रही है, गोपाल राय दिल्ली प्रदेश संयोजक हैं और पार्टी कैबिनेट में मंत्री हैं, पार्टी का बड़ा चेहरा है, तो वो फिलहाल यहां पर मौजूद हैं और उनके साथ जो पार्टी के
राष्ट्रीय सचिव हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, और अभी जो रणनीति है वो यही है कि आगे जब अरविंद केजरीवाल अभी सीबीआई दफ्तर से तमाम बड़े नेताओं को क्योंकि हटा दिया गया है, तो एक ये भी चुनौती है कि वहां पर प्रतिनिधित्व करने के लिए अब कौन होगा, सड़क पर एकजुटता दिखाने के लिए कौन होगा, तो इन तमाम चीजों को लेकर भी चर्चा हो रही है। और ये तस्वीर इसमें ज्यादा मुझे नहीं लगता कि संशय है कि अभी वहां पर और जो लोग हैं या कार्यकर्ता हैं या और लोग जुटकर फिर से एक प्रोटेस्ट कर दें, इसमें भी कोई संशय नहीं है। अंजलि, असली माहौल तो सीबीआई दफ्तर के बाहर तब बनेगा जब या तो अरविंद केजरीवाल वहां से बाहर आए, जिसकी उम्मीद है, या फिर वो हो जाए जिसकी उम्मीद आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों को है कि अरविंद केजरीवाल को आज ही गिरफ्तार कर लिया जाए। हालांकि बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। मेरे साथ मेरे सहयोगी चरण सिंह सहरावत सीधे नजफगढ़ से ही जुड़े हुए हैं। चरण, अंजलि को आपने सुना, अंजलि ने बताया कि पुलिस की कोशिश ये है कि नजफगढ़ जैसी इतनी दूर जगह ले जाया जाए इन सभी सांसदों को, विधायकों को और मंत्रियों को, कि अगर उन्हें छोड़ भी दें तो वो सीबीआई दफ्तर तक ना पहुंच पाए। क्या यही स्ट्रेटेजी है या कोई और सोच है, क्या लगता है चरण? बिल्कुल, हम नजफगढ़ थाने में ही मौजूद हैं और यहाँ पर जो नेता मौजूद है उनसे बात कर लेते हैं। क्या कुछ कारण रहा इतनी दूर लाने का, क्या कहेंगे, क्या कारण रहा इतनी दूर लाने का, क्यों लेके आए आप? देखिए कि आज शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी और बाबा साहब अम्बेडकर जी की जो विचारधारा है वो अरविंद केजरीवाल जी पूरे देश में लेके जा रहे हैं, और शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे बहुत अच्छा काम उन्होंने दिल्ली में भी किया, और भगवंत मान जी की सरकार अभी पंजाब में लोगों को जहां रोजगार दे रही है, बिजली फ्री दे रही है, नशे का खात्मा कर रही है, लॉ एंड ऑर्डर को बहुत मेंटेन कर रही है, गैंगस्टर का खात्मा कर रही है। लेकिन मैं समझ रहा हूँ कहीं ना कहीं इन बातों से घबरा कर आज आम आदमी पार्टी को रोकने के लिए अरविंद केजरीवाल जी की बचाव ये जो प्रयास किए जा रहे हैं वो सफल नहीं हो पाएंगे। आज बाहर आए हैं तो हमें सभी को डिटेन किया गया, हमारे साथ सभी विधायकगण, मंत्री साहबान और राज्यसभा मेंबर साहबान हैं, और आप ये भी देख सकते हैं कि जब जब पंजाब में और भारत में पूरे में किसी को भी आवाज़ दबाने की कोशिश की है, सच की आवाज़ दबाने की कोशिश की है, सच उतने ही जोर से बाहर आया है। और वो चरण, हम आपसे फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे, अगर वहां पर दिल्ली सरकार के कोई मंत्री हो, सांसद अगर आपसे मिलें तो उनसे जरूर इस बारे में जानिएगा कि इतनी दूर क्यों ले जाया गया है, इतनी दूर उन्हें लाया गया है, आगे की रणनीति क्या होगी, अरविंद केजरीवाल अगर निकलते हैं तो उनके साथ कौन होगा सीबीआई दफ्तर पर, और अगर गिरफ्तारी होती है तो आगे की रणनीति आम आदमी पार्टी की क्या होगी। बहुत बहुत शुक्रिया चरण।